और जिनसे ज़्यादा लोग का नाम इससे गया, हम लोग सोच रहे हैं क्या इफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्रपोजेस ए न्यू एनआरसी फॉर होल इंडिया, वी वेलकम डेट। एंड ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप उसको पूरा इंडिया में लागू करें। बहुत स्टेट्स ने एनआरसी को खोज रहा है, एक एनआरसी को नया रूप में खोज रहा है। जो हम लोग का असम में हुआ है उसको, उसके ऊपर में बहुत क्वेश्चन भी आ रहा है। हम लोग फिलहाल उसको साइड करके नया जो एनआरसी का बात बोल रहे हैं उसको हम लोग वेलकम करेंगे अगर आवर गवर्नमेंट प्रपोजेस दे। कांग्रेस का विरोध का देखिए, कांग्रेस का कारण ही असम का ऐसा हालत है। कांग्रेस ने बहुत कुछ गलती काम किया जो हम लोग को अभी भुगतना पड़ रहा है। एक तो दे हैव नॉट फेंस्ड दिस बॉर्डर, बॉर्डर का जो इमिग्रेशन है बांग्लादेश से उसको रुकवाने का कोई व्यवस्था नहीं किया था उस टाइम, बहुत लूज था। उसका नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए उनका उस टाइम उसका नहीं था, जिसके कारण से असम में बहुत बड़ा एक असम एजिटेशन भी हुआ था। तो इसको लेकर कांग्रेस का एक्चुअली कांग्रेस हैव गॉट नो राइट टू स्पीक ऑन एनआरसी एंड व्हाट यू कॉल इन इमिग्रेशन हैव डन फ्रॉम दिस बांग्लादेश और अदर प्लेसेस। सो इसको कांग्रेस का हक नहीं बनता है। आप कांग्रेस के को लेके दुखी है, हम लोग का आसाम का जो मेन असमीज पीपल है उसके लिए थ्रेट हो गया है। सो वी आर नॉट रिकमेंडिंग, अगर नया आता है तो इट विल अपडेट होल सिस्टम। थैंक यू सर।